हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्प्ले चेंज करने का ट्यूटोरियल देखेंगे। उसका पहले सबको मोबाइल रिपेयरिंग ट्यूटोरियल में स्वागत है। देखो, ये है ओप्पो A92। इसका डिस्प्ले हम चेंज करना है। इसके लिए पहले हम सिम ट्रे खोलेंगे, फिर इसको बैक पैनल हमको निकालना है। देखो, बैक पैनल ऐसा निकाल सकता है थोड़ा स्प्रे लगा के ब्लेड से और प्लास्टिक टूल से ऐसा निकाल सकता है। प्लास्टिक टूल ज़्यादा अंदर नहीं लगाना। अभी बैक कवर मिल गया। अभी हम स्टार स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू सब निकालना है। उसके बाद देखो, कैमरा ग्लास को पहले हम निकालना पड़ेगा। उसका नीचे बोर्ड में कनेक्शन है, वो कनेक्शन निकालना है। उसके बाद सेंटर बॉडी को ब्लेड से ऐसा निकालना है। लॉक से, ब्लेड से लॉक सब खोल के सेंटर बॉडी निकाल सकते हैं। देखो, सेंटर बॉडी बाहर मिल गया। अभी हम लाउड स्पीकर निकालने के लिए स्क्रू खोलना है। स्टार स्क्रू है और इधर लॉक खोल के लाउड स्पीकर बाहर मिल जाएगा। अभी चार्जिंग बोर्ड का कनेक्शंस निकालना है, एंटीना वायर और चार्जिंग फ्लक्स। और चार्जिंग बोर्ड ऐसा खोल सकता है। अभी मदरबोर्ड निकालने के लिए प्लेट का स्क्रू खोलना है। उसके बाद ये मदरबोर्ड का कनेक्शन सब निकालेंगे और एंटीना वायर निकालना है और मदरबोर्ड को ऐसा ऊपर खींच के हमको निकाल सकते हैं। भी मदरबोर्ड बाहर मिल गया। लॉक और गम दोनों भी है। अभी हम बैटरी निकालना है। बैटरी देखो ऐसा निकाल सकते हैं, स्टिकर है, स्टिकर खोल के वो ग्रीन कलर टैप ऊपर खींचना है। थोड़ा टिनर भी लगा के ऐसा ऊपर खींचा तो बैटरी बाहर आ जाएगा। अभी देखो, बैटरी का नीचे का स्टिकर हम खोलना पड़ेगा। डिस्प्ले का स्ट्रिप निकालेंगे। उसके बाद डिस्प्ले देखो, ये पूरे पहले ही से ही खोला है, इसके लिए ऐसे ही मिल गया, नहीं तो आप खोलना पड़ेगा। अभी देखो, ये LCD फ्रेम में गम है, वो सब हम अच्छा से सफाई करना है। थोड़ा भी पुराना गम उसमें नहीं रहना चाहिए, सब सफाई करना है। थोड़ा टाइम लगता है, फिर भी अच्छा से सफाई किया तो नया डिस्प्ले बराबर बैठ जाएगा।
सफाई किया, देखो टेबल में इतना कचरा है, इतना कचरा वो फ्रेम से, छोटा फ्रेम से मिल गया। देखो ये है नया स्क्रीन है, A52 A92 सेम LCD है। अभी हम देखो T7000 गम इसका फ्रेम में लगा रहे, वो अच्छा से लगाएंगे। ये फ्रेम का बाहर और अंदर नहीं होना चाहिए, खाली वो डिस्प्ले बैठता है उधर ही गम होना चाहिए। इधर सेंसर का ये साइड में थोड़ा गम लगाएंगे, फ्रेम में सेंसर का जगह पे मैं नहीं डाला गम। अभी देखो ऐसा बिठा सकता है, जो मैं लगा रहा है ऐसा स्क्रीन को फ्रेम में बिठा सकता है। उसके बाद हम टैप मारेंगे, देखो ऐसा टैप लगाना है, चार तरफ ऐसा टैप लगाना है। देखो फुल टैप लगाया, अभी एक 3 घंटा ऐसे रखेंगे, 3 घंटे के बाद निकाल के टैप को सब निकाल के हम इसको पैक करेंगे। टैप सब निकाल दिया, उसके बाद जो फ्रेम का बाहर थोड़ा गम निकल गया रहेगा, जो हम LCD बिठाते हैं वो टाइम थोड़ा बाहर आता है, वो सब सफाई करना है। देखो ऐसा भी हम एक एक पार्ट्स इसमें लगाएंगे, पहले मदरबोर्ड जो जैसा खोला है ऐसा सब सामान वापस लगाना है, सब कनेक्शन देना है, एंटीना वायर सब भूलना नहीं, बहुत लोग एंटीना वायर नहीं लगाते हैं। और स्क्रू सब लगाना है, सब एक ही टाइप स्क्रू है। चार्जिंग बोर्ड लगाएंगे, चार्जिंग बोर्ड में भी एंटीना वायर का कनेक्शन देना है। और लाउड स्पीकर लगाना है, LCD का फ्लेक्स केबल सीधा करना है। और ये बैटरी का स्टिकर वो भी पहले जैसे बराबर चिपाना है। हम बैटरी लगाएंगे, बैटरी का स्टिकर साइड में इसमें पकड़ता है बैटरी।
बैटरी का कनेक्शन, डिस्प्ले का, चार्जिंग बोर्ड का कनेक्शन सब देना है। और हम स्पीकर का स्क्रू सब लगा के ये सेंटर पैनल में बिठाएंगे। देखो ये सब काली लॉक है, प्रेस कर दिया तो हो जाएगा। और सेंटर पैनल का कनेक्शन देना है मदरबोर्ड में। उसके बाद कैमरा ग्लास लगाना है और सब स्क्रूस हम लगाना है। देखो ऐसा। स्क्रू लगाने के बाद बैक पैनल को ग्लू लगाना है। देखो ऐसा। ग्लू सब लगाने के बाद ये ऐसे ही चिपाना है। ऐसा चिपा के टैप लगाएंगे। उसका सिम ट्रे लगाना है, भूलना नहीं। सिम ट्रे लगाने के बाद टैप लगाएंगे। हम बैक पैनल को टैप लगाया, हम ऑन करके देखेंगे। देखो ऑफ हो गया, बूट हो रहा है। देखो बराबर काम कर रहा है। ओके इतना ही है। Thank you for watching. Bye.